मध्य प्रदेश के चुनावी घमासान में उम्मीदवारों की सक्रियता खासी बढ़ गई है। प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में घूम घूम कर जनसंपर्क में जुटे हैं। नरेला से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला ने बातचीत के दौरान कहा कि नरेला की जनता बदलाव चाहती है। इसके साथ ही मौजूदा सरकार पर भी मनोज शुक्ला हमलावर दिखे। खत्म तो वो हो रहे हैं 17 तारीख को, नरेला की जनता उनका बुरिया बिस्तर बांध रही है। और शिवराज सिंह चौहान जी का कहना था जय और वीरू की जो ये आपस में कांग्रेस में भिड़ंत, मुझसे आप मेरी विधानसभा के बारे में बात करें। बाकी मुकाबला तीन बार के मंत्री से है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं उनको अपने मुकाबले में नहीं मानता, क्योंकि नरेला की जनता की मैंने पिछले 5 वर्षों में हर सुख दुख में मैंने नरेला की जनता के साथ खड़ा हुआ। और कोरोना नामक बीमारी जब फैली थी पूरे देश में, उसका संक्रमण फैला था, तो नरेला की जनता जब त्राही त्राही कर रही थी, तो मनोज शुक्ला उनके बीच में था। ये तो भोपाल छोड़ के भाग गए थे। पूरी सारी रणनीति आपको बताने, गुबली रणनीति, ये प्रदेश अभी हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं। प्रदेश कांग्रेस आपको समय समय पर सारा अपडेट देगी। माता जी की बात सुबह, बहुत बहुत धन्यवाद।